दतिया भवानी पार्क बिन पानी सबसून कार्यक्रम आयोजन। मध्य प्रदेश के दतिया में मां पीताम्बरा प्रकाट्य दिवस यानी दतिया गौरव दिवस के दौरान बिन पानी सबसून जैसे ज्वलंत मुद्दे पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। भवानी पार्क स्थित एक कार्यशाला में देश के जाने माने भूजल विद मौजूद थे। इनमें डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी, रामबाबू तिवारी और कुमारी बबीता राजपूत ने बताया कि क्यों पानी का संरक्षण और संवर्धन किया जाना जरूरी है। भूजल विदों का मानना है कि आने वाले समय में पानी को लेकर संकट के गहराने वाला है। यदि हम अभी से पानी का संवर्धन और संरक्षण करने की आदत डालें तो आने वाली भयावह समस्या से बच सकते हैं। इसमें हम पानी को रिसाइकल करके दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी के मुताबिक देश की आधी से ज्यादा आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। वहीं बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में पानी को लेकर हमेशा संकट गहराता रहा है। जहां बारिश के पानी का संरक्षण किया जा सके इससे भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी। छतरपुर की परमार्थ संस्था से जुड़ी कुमारी बबीता राजपूत ने बताया कि महिलाओं को पानी की समस्या से सबसे ज्यादा जूझना पड़ता है। उन्हें दूर दराज इलाके से अपने परिवार के लिए पानी लाना पड़ता है। कुछ इसी तरह के विचार बुंदेलखंड के जाने माने जल संरक्षण विद राम बाबू तिवारी ने व्यक्त किए। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि बुंदेलखंड में पानी की कमी है और ज्यादातर से गांव में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को पानी की ज्यादा समस्या होती है। और उसी जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग कार्य करते थे, जो संरचनाएं बनाते थे, जो संरचनाएं आज के समय में टूट फूट गई है, उन्हीं को दोबारा से जीवित करने के लिए, सुधारने के लिए महिलाओं के साथ सामूहिक रूप से काम कर रही है, जिससे के लिए पुरस्कृत किया गया है और महिलाओं के द्वारा समूह बना के जल सहेलियों के साथ में मिलकर के काम कर रही है। आप कैसे जागरूक करती हैं महिलाओं को? महिलाओं को जैसे कि उन्हें पानी की परेशानियां होती हैं, पानी भरने के लिए 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, उसके साथ साथ में आधा घंटे 1 घंटे लाइन में लग के खड़ा होना पड़ता है, उसके साथ में पुरुषों के द्वारा महिलाओं पर हिंसा होती है। कई बार पुरुष इस बात से उन पर मारपीट करते हैं कि खाना जल्दी क्यों नहीं बना, अभी तक क्यों आए हो। तो इसी चीज को समझाते हैं कि अगर हम बरसात के पानी को रोकेंगे, जो संरचना हमारी टूट फूट गई है उनमें हम पानी को स्टॉक करेंगे तो हमारा जन लगती है कि जहां पानी का संकट जितना गहरा होता जा रहा है और आज की तारीख में अगर हम बात करें और नीति आयोग की रिपोर्ट को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे देश में करीबन 60 करोड़ लोगों को आज भी